सो हेलो डिफेंस मीडिया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है एनडीए की ओर से, और साथ ही इससे रिगार्डिंग मैं अपडेट देने वाला हूँ एयरफोर्स 2021 एग्जामिनेशन को। आप सभी को पता होगा कि कल परसों, हाँ दो दिन पहले आया था एयरफोर्स की ओर से एक अपडेट, और उस अपडेट में क्या छिपा हुआ है उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ, विस्तृत जानकारी। और एनडीए का जो नोटिफिकेशन कल आया था, एक नोटिस हुआ आया एनडीए का यूपीएससी के थ्रू कि जो एग्ज़ाम आप सभी का 5 सितंबर को कंडक्ट किया जाना था उसको पोस्टपोन करके और उसको क्या किया गया है 14 नवंबर कर दिया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी पढ़ सकते हो इसको, इसलिए मैंने ये ओपन कर दिया है, ऑफिशियली है ये, ठीक है ना। 9 तारीख से जो ऑनलाइन फॉर्म आप सभी का स्टार्ट हुआ था, और ये एग्ज़ाम डेट फिक्स रहता है, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है वो फिक्स रहता है। तो एनडीए का 2 एग्ज़ाम होता है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम का तो रिजल्ट भी अभी डिले पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और एनडीए 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आया, और उसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन था कि 5 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम होगा, बट क्या हुआ इसमें कि 5 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दिया गया, और आप सभी का जो एग्ज़ाम है उसको 14 नवंबर को, हाँ 14 नवंबर को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन कल इवनिंग में आई थी आप सभी के लिए, और 14 नवंबर को ये एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बता दूँ आप सभी को कि 14 नवंबर को जैसे ही एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हुई उसी के बाद से लगातार स्टूडेंट का मैसेज मेरे ऊपर आने लगा, और उन्होंने बताया कि इससे एयरफोर्स एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ेगा क्या। मैंने बताया बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अगर इफेक्ट पड़ना होता ना तो ऑफिशियल अपडेट ही नहीं आती। इंडियन एयरफोर्स ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और पूरी तरह से ये क्लियर कर चुकी है कि जुलाई में लाइकली, यानी कि संभावना है जुलाई में होने की 100%, उन्होंने भी अभी तक नहीं बताया है, तो भाई साहब कोई यूट्यूबर कैसे आप सभी को बता देगा। तो जुलाई में होने की संभावना है, और मैंने आप सभी को ये बताते आ रहा था कि भाई प्लीज़ आप सभी जुलाई का टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करो। पिछले जो भी वीडियो उसमें जाकर के देख लाना, बाहरी आवाज़ आ रही होगी इसलिए सॉरी चाहता हूँ। तो बता दूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, एनडीए में कुछ ना कुछ अभी रीजन चल रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया हुआ। जो 1 मंथ में रिजल्ट आया था वो 2 मंथ होने वाला है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो एनडीए का कहीं ना कहीं यूपीएससी का अभी जो उनका शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एयरफोर्स कैंडिडेट के ऊपर, आप सभी इधर उधर की बातों में मत खटको, ठीक है ना। जुलाई का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है कि जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं बता दूँ आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो 15 जुलाई के बाद ही होगा, 15 जुलाई के बाद, 100% मैं बता रहा हूँ, 15 जुलाई के बाद आप सभी का एग्ज़ाम होगा। 15 जुलाई तक का टारगेट लेकर के चलो कि मेरा एग्ज़ाम 15 जुलाई से है, भले एग्ज़ाम 22 जुलाई से हो या 27 जुलाई से हो, लेकिन एग्ज़ाम जुलाई में होगा, और 15 जुलाई के बाद किसी भी दिन का शेड्यूल रखा जा सकता है, और जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप सभी का जो सिटी है वो बता देगा। बात करूँ सिटी की तो सिटी चेंज हो जाएगा डेफिनेटली आप सभी का, और नया एडमिट कार्ड आएगा तो पता सब कुछ चल ही जाएगा। तो यही अपडेट था कि आप सभी जुलाई का टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करो, बाकी के एनडीए एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। जब भी कोई अपडेट आती है पल पल का अपडेट मैं आप सभी के लिए लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा।